नमस्कार, मैं हूं अपर्णा मौजम। 5 बजने को है और हम हाजिर हैं 5 की आंच के साथ। में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में सीएम फेस की तलाश की, जहां चुनावों में बम्पर जीत के बाद अब यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है कि सीएम कौन होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे इंदौर की, जहां कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं और उन्हें सीएम पद की नेम प्लेट सौंपी जा रही है। कमोबेश एमपी में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ बात करेंगे जीत के बाद नेताओं के जश्न की, जो बदस्तूर जारी है। बात होगी जीत के बाद मंत्री बनने की लालसा की भी, जिस पर कुछ दिग्गजों ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। इसके अलावा बात होगी लाखों की चोरी की और भी बहुत खबरें होंगी। तो 5 की आंच में इन 5 बड़ी तस्वीरों पर विस्तार से करेंगे बात और कुछ और अहम खबरों पर डालेंगे नजर। सबसे पहले बात करें तो छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी को मिली है बम्पर जीत। प्रदेश में बीजेपी को कुल 54 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से कहीं ज्यादा है। इतनी बड़ी जीत के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर तलाश तेज हो गई है, क्योंकि चुनावों में बीजेपी ने कोई सीएम चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था, लिहाजा अब इस पर चर्चा तेज हो गई है। सीएम चेहरों में कौन हो सकता है सीएम, इन चेहरों में रमन सिंह, अरुण साव और ओपी चौधरी के नाम पर फिलहाल चर्चा हो रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगा और ओबीसी, आदिवासी या सामान्य फेस को लेकर चर्चा तेज है। फिलहाल संगठन से पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें ये नाम निकलकर बाहर आएगा। सीएम कौन होंगे, कहां से होंगे? अगर आदिवासी सीएम की बात आती है तो आप पहले चेहरे होंगे? मैंने पहले कहा है कि पार्टी का आदेश अभी तक अपने 30 साल के पॉलिटिकल लाइफ में हम मानते आए हैं, आगे भी जो भी पार्टी का आदेश होगा उसको मानेंगे। रायपुर के और पूरे प्रदेश में ये सूचना दी कि सर्टिफिकेट लेके एक बार कार्यालय आवे, उन सबको भोजन कराएंगे अभी और उनको सबको कहेंगे जाके फील्ड में जाकर के अपनी जनता को आशीर्वाद दो। मात्र इतना कार्यक्रम का बैठक सेंट्रल से जो ऑब्जर्वर तय होंगे वो आएंगे उस दिन बैठक। शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे आकाश के पास चलते हैं, उनके पास चलेंगे हम और जानेंगे कि जो सुगबुगाहट है वो किस तरह और तेज हो रही है। भले ही हर कोई ये कह रहा हो कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री, लेकिन इच्छा तो कई लोगों के मन में है और इन इच्छाओं का क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। आकाश शुक्ला जुड़ गए हमारे साथ। आकाश, तमाम वो नाम जो रेस में आगे चल रहे हैं, उसके अलावा कई ऐसे और भी चेहरे होंगे जिनके मन में भी होगी इच्छा मुख्यमंत्री बनने की, किस तरह सुगबुगाहट है, क्या हलचल है? देखिए, 54 सीटों के साथ भाजपा बहुमत में आ चुकी है और इसके साथ ही जो मतदान का परिणाम आया उसके दूसरे दिन आज भाजपा कार्यालय में जमकर उत्साह देखा जा रहा था। प्रदेश भर से लोग आते रहे, विधायक भी आए, उनका स्वागत किया गया और कहीं ना कहीं एक चर्चा थी कि सीएम कौन का जो प्रश्न था वो हर उस नेताओं के जहन में था और हर उस नेताओं से पूछा जा रहा था कि आने वाले समय में सीएम कौन हो सकता है। अगर बड़े नाम की चर्चा करें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, विष्णुदेव साय का नाम रामविचार नेताम है, वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा ओपी चौधरी का नाम है, वो भी काफी चर्चा में है। इसके अगर संगठन की बात करें तो संगठन लगातार कहता आया है कि बहुमत में सरकार आ गई है, लेकिन अब सीएम का जो चेहरा है वो आला कमान तय करेगा। इस पे अंतिम मुहर अभी लगनी बाकी है, लेकिन चर्चाओं का दौर चल उठा है। कई ऐसे सरप्राइजिंग नाम है जो संगठन आने वाले समय में ला सकता है। फिलहाल ये केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली के हाथों में, अभी विधायक दल की बैठक होनी है, एक दो दिन में विधायक दल की बैठक होगी, इसके बाद वह नाम तय होगा। तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा, देखना है कि सीएम का चेहरा आखिर जो आला कमान है वो किसे तय करता है। आकाश शुक्ला, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो वही मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा तेज है। इस खबर को पुख्ता करती है इंदौर से आई खबर, जहां विधानसभा एक से बीजेपी के नव निर्वाचित विधायक कैलाश विजयवर्गीय का एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें समर्थक कैलाश विजयवर्गीय के नाम के आगे मुख्यमंत्री लिखी नेम प्लेट उन्हें दी गई। दरअसल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत के बाद
पार्टी मुख्यमंत्री का नाम तय करे, इसके पहले ही कार्यकर्ताओं में ये बेसब्री देखी जा रही है। इंदौर के बीजेपी दफ्तर में जब कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे तो समर्थक उत्साहित थे। मिथिलेश हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मिथिलेश, जाहिर सी बात है कैलाश विजयवर्गीय को ये जीत मिली है इंदौर एक से, जबकि तो उसके बाद समर्थकों का उत्साहित होना, अति उत्साहित होना तो जरूरी था ही, लेकिन अब उन्हें सीएम की कुर्सी पर देखने की इच्छा भी समर्थकों के बीच प्रबल हो चली है। मिथिलेश, जो कार्यकर्ता है लगता है बात नहीं हो पा रही है मिथिलेश से, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन किस तरीके से यहां पर कैलाश विजयवर्गीय को समर्थक ने उनके नाम के आगे मुख्यमंत्री लिखी हुई नेम प्लेट सौंपी है, ये दिखाता है कि समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। तो प्रदेश के मुखिया को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है, जो जीत कर आए हैं वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ केंद्र नेतृत्व ही तय करेगा, लेकिन समर्थकों का क्या है, वो तो इच्छाएं व्यक्त कर ही देते हैं। तो बीजेपी के कुछ जीते हुए प्रत्याशियों ने भी मंत्री पद को लेकर अपनी लालसा जाहिर कर दी है। एमपी में बीजेपी की 163 सीटों में से सीधी जिले की भी 3 विधानसभा सीट शामिल हैं, जहां से जीते हुए प्रत्याशियों ने मंत्री पद की इच्छा जाहिर कर दी है। इनमें से हैं सीधी सांसद रीति पाठक और सिहावल विधानसभा सहित धौनी विधानसभा सीट के प्रत्याशी। सांसद रीति पाठक ने जीत का श्रेय पीएम और पार्टी कार्यकर्ताओं को देते हुए मंत्री पद की इच्छा जाहिर की, हालांकि आगे का निर्णय पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया है। वहीं सिहावल से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को पराजित करने वाले विश्वामित्र पाठक ने भी मंत्री पद की लालसा जाहिर कर दी है। लालसा एक सामान्य बात है, लालसा तो होनी चाहिए, अगर मैं व्यक्ति हूँ, इंसान हूँ तो होनी ही चाहिए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अगर मैं कहूँ तो मैं किसी होड़ में नहीं हूँ, किसी दौड़ में नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी का आदेश, भारतीय जनता पार्टी का निर्देश ही मेरे लिए सर्वोपरि है। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं उसी में अपने आप को सहज महसूस करूँ। हमारी जनता जनार्दन को जितना उत्सुकता है उतना हमको भी है जी। हमारी क्षेत्र की जनता चाहती है जी कि हम मंत्री को हराए तो मंत्री बने। जीत के बाद अब नेताओं के जश्न की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जो बदस्तूर जारी है, और तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरह से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। रीवा और रतलाम की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है, जहां से राजेंद्र शुक्ला ने लगातार 5वीं दफा जीत हासिल की है, और इसी मौके पर विजय जुलूस निकाला गया। शहर में जगह जगह स्वागत जुलूस का हुआ। रीवा के चहेते और लाडले नेता के स्वागत में जन सैलाब किस तरह उमड़ा वो तस्वीरों में आपको दिख रहा है। रतलाम में जीत के बाद बीजेपी विधायक चैतन्य कश्यप भी जमकर थिरके। और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की समीक्षा की। जी हां, बीजेपी खेमे में जहां जश्न का माहौल है, तो वहीं कांग्रेस करारी हार की समीक्षा करने की बात कह रही है। कांग्रेस की समीक्षा बैठक को लेकर बीजेपी ने तंज भी कसा। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने हार की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ, चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह के अलावा सभी प्रत्याशी भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक के लिए सभी जीते हारे प्रत्याशियों को भोपाल बुला लिया गया है। देखिए, जब भी आप कोई चुनाव जीतते हैं हारते हैं तो उसके बाद जीत की समीक्षा भी होती है, और मेरे को हार की समीक्षा तो सदैव होती है। जीत का जश्न होता है, हार की समीक्षा होती है। तो अब जब एक बड़े चुनाव से हम लोग गुजरे हैं और अपेक्षा के अनुरूप हमारे परिणाम नहीं आए, तो निश्चित तौर पर एक विधायक दल की बैठक भी होगी और सभी कई कार्यकर्ता महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को बुलाकर एक समीक्षा करेंगे और भविष्य में क्या कैसी हमारी कार्यशैली रहे, क्योंकि हम मानते हैं कि ये सतत प्रक्रिया है, आगे लोकसभा चुनाव भी हैं, तो इस सब चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। उधर बीजेपी में प्रचंड जीत के बाद जश्न का माहौल है। बीजेपी का कहना था कि जिन सीटों पर हार हुई है उन सीटों की समीक्षा की जाएगी, साथ ही कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी तंज कस रही है। कांग्रेस को हार की समीक्षा करने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो कपड़ा फाड़ दो परिवारों के बीच हुआ उसने कांग्रेस को फाड़ दिया और जनता के बीच से समाप्त। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी उत्साह से लबरेज।
वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं में निराशा जरूर होगी। ऐसे में जबकि जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस के लिए बेहतर प्रदर्शन की चुनौती बनी हुई है। तो उधर कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सेलजा ने हार पर कहा कि हार की समीक्षा करेंगे, जल्द ही विधायक दल की बैठक होगी, रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं आया है। फीडबैक ले रहे हैं, कुछ समय भी लगेगा क्योंकि सबसे मिल भी नहीं पाए, और फिर से आएंगे हम और सबसे बातचीत करेंगे। ये जरूर है कि जो उम्मीद थी उसके मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन अब आगे लोकसभा चुनाव के लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी और नए सिरे से हम पार्टी को और मजबूत करेंगे, आगे के लिए काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे मन से काम किया है। बाकी कहीं छुटपुट बात हो जाती है, व्यक्तिगत जब सत्ता में हो कुछ लोगों का, ये मैंने पहले भी कहा जब हमारी मीटिंग हुई, उस समय भी आपसे जब बातचीत हुई तो मैंने बताया था, लेकिन उसके बावजूद चुनाव में सब लोगों ने मिलकर काम किया और आगे के लिए। इंदौर में कारोबारी के साथ फाइनेंस के नाम पर USDT खरीदने को लेकर धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी के साथ ही अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर अज्ञात शख्स की तलाश शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच DCP निमेश अग्रवाल ने बताया कि कारोबारी के साथ लाखों की रकम की धोखाधड़ी की गई। बताया जा रहा है कि पहले फरियादी से आरोपी ने ऑनलाइन संपर्क किया और फिर USDT खरीदने को लेकर प्रलोभन दिया, जिसके बाद फरियादी ने आरोपी पर विश्वास कर सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास कर लिया। आरोपी ने फर्जी तरीके से एक मेल दिया और तमाम दस्तावेजों के आधार पर फरियादी के USDT के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर ली। शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को बाइनेंस पे USDT खरीदने के लिए संपर्क किया गया और फिर उस व्यक्ति को जो है लगभग 2 लाख रुपए की USDT के लिए संपर्क किया गया था। फिर उसको एक डमी ईमेल भेजा गया कि उस USDT के लिए पेमेंट जो है उसको कर दिया गया है, और उसने इस विश्वास में आके जो है वो क्रिप्टो USDT जो है उसने रिलीज कर दी। बुरहानपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इंदौर इच्छापुर जर्जर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक पलटने की खबर है और इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर जख्मी हो गया है। 15 टन तार पैकिंग के रोलर से ये ट्रक भरा हुआ था। टर्निंग पॉइंट पर एक गड्ढे के चलते इसका बैलेंस खराब हुआ। राहत की बात यह है कि जनहानि कोई नहीं हुई, लेकिन ड्राइवर और क्लीनर घायल हुए हैं। बड़ी खबर बुरहानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां इंदौर इच्छापुर में जर्जर हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक पलट गया। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं किस तरह से ये ट्रक यहां पलटा हुआ है। इस हादसे में राहत की बात यह है कि जनहानि कोई नहीं हुई, लेकिन ड्राइवर और क्लीनर को चोटें आई हैं। क्या था ये? तो 15 टन तार पैकिंग के रोलर से भरा हुआ था ये ट्रक। टर्निंग पॉइंट पर गड्ढा था, गड्ढे के चलते इसका संतुलन बिगड़ गया और ये ट्रक पलट गया। वहीं जबलपुर में तिलक समारोह में गोसलपुर बारात घर से चुराए गए 10 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। राजगढ़ के सांसी गिरोह से जुड़ी लड़कियों ने पैसों से भरा बैग चुराया था। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर राजगढ़ पहुंचकर लड़की के डेरे का पता लगाया। जैसे ही पुलिस पहुंची तो पुलिस को देखते ही पैसों भरा बैग फेंक कर लड़की फरार हो गई। पुलिस ने पैसे बरामद कर फरार स्वाति की तलाश शुरू कर दी। इसमें थाना गोसलपुर में अपराध कायम किया गया था और शिकायतकर्ता के द्वारा उस बैग में 10 लाख रुपए की राशि होना बताया गया था। इसमें एनजीओ की सिहोरा के नेतृत्व में PI गोसलपुर के द्वारा एक टीम लगाई गई थी। थाना प्रभारी गोहलपुर राजपाल बघेल की भी टीम इसमें लगाई गई थी और क्राइम ब्रांच की भी टीम इसमें इस घटना की तलाशी में लगी हुई थी। इन सभी के द्वारा जो मुखबिर लगाए गए थे उसमें ज्ञात हुआ कि जो फोटो में जो लड़की है जो दिखाई दे रही है बैग को ले जाते हुए, वह गुलखेड़ी राजगढ़ निवासी सांसी गिरोह की एक लड़की स्वाति भनेरिया है।
इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या की साजिश करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में प्रेम प्रसंग की बात भी सामने आई है। फिलहाल क्राइम ब्रांच इस मामले में हर पहलू पर जांच कर रही है। बदमाश एक व्यापारी की हत्या करने की फिराक में घूम रहे थे। रेकी करने वाले आरोपियों से पूछताछ के बाद प्रेम प्रसंग की जानकारी भी सामने आई है, लेकिन हत्या के पहले पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश किया। वहीं साजिश के मुख्य आरोपी ने अपने 2 साथी को इस काम के 2 लाख रुपए दिए जाने की बात का खुलासा किया। फिलहाल पुलिस इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। एमपी विधानसभा चुनाव में दतिया से हार के बाद नरोत्तम मिश्रा भावुक नजर आए। जनादेश को स्वीकार करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं वापस लौट कर आऊंगा, यह मेरा वादा है। सरकार आपकी, ललकार आपकी और दरकार भी आपकी। किसी खिंचे भ्रम में मत आ जाना। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। मैं ज्यादा समय आप भी जानते हो शांत रहने वाला चीज नहीं हूं, लेकिन उनको अवसर जरूर देना चाहिए इस बात का ध्यान रखें। मेरा कार्यकर्ता मेरे प्राणों से प्यारा पति था और अब भी है। तब आपको लगता होगा कि मैं चुनाव के कारण कह रहा हूं, पर मित्रों सच में कार्यकर्ताओं में मेरे प्राण बसते हैं, वो जीतू या हारू ये तय मान के चलना। और इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल चिंता नहीं करना, सरकार आप ही की, जनता के लिए उसको करने दो, कार्यकर्ताओं के लिए मैं करूंगा। हर हफ्ते आपके बीच में इसी कार्यालय पे ऐसे ही मिलूंगा। सबकी कहा था कि कोई भी दिक्कत आपकी वो आपकी नहीं होगी, नरोत्तम की। कोई भी परेशानी आपकी नहीं होगी, नरोत्तम की। कोई भी समस्या आपकी नहीं होगी, मेरी होगी, लेकिन कार्यकर्ता की। जनता ने उनको चुना है तो उनको काम करने दो। वो जैसा विकास करें, वो बीमार की जैसी तारीफदारी करें, वो जैसा सड़कों का विकास करें, पुल पुलिया का विकास करें, उनको वो विकास करें, लेकिन कार्यकर्ता के विकास की चिंता मेरी। धन्यवाद। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।